नेता और रामपुर से सांसद आजम खान महिलाओं पर टिप्पणी करने से कभी नहीं चूकते और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया। 25 जुलाई 2019 को सांसद में हो रही 3 तलाक पर बहस के दौरान आजम खान ने सांसद का अध्यक्षता कर रही रमा देवी पर कुछ ऐसा कह दिया जिससे कि पूरा सांसद उन पर बरस पड़ा। 26 जुलाई को भी सांसद में इसी चर्चा पे बहस हुई, मगर आजम खान एक लौते ऐसे माननीय नहीं है जिन्होंने महिलाओं को लेकर विवादित बोल बोले हों। ऐसे माननीयों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिनमें बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव और ऐसे कई और नेता है जिन्होंने महिलाओं को लेकर विवादित बोल बोले। तो आइए जानते हैं हमारी जनता से कि उनका ऐसे नेताओं पर क्या कहना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे राजनीतिक जो नेता हैं वो महिलाओं को लेकर काफी विवादित टिप्पणियां करते हैं और हाल ही में ही आजम खान ने भी कुछ ऐसा ही किया है, तो आपके क्या राय है उन नेताओं के ऊपर? आई थिंक देयर हैज टू बी अ फॉर्मल हायरार्की टुवर्ड्स एवरीथिंग, वेदर इट्स इन पार्लियामेंट, वेदर इट्स इन कॉर्पोरेट कल्चर। नो वन इज लाइक नो वन डिजर्व्स टू बी हिट पर्सनली बाय सम वर्ड्स और सम वर्ड्स like some personal opinions has to be kept private. उनको ये हक नहीं है, उनको इसलिए चूज किया गया कि वो हमें आगे बढ़ाएं, इसलिए नहीं चूज किया गया कि वो हमारे लिए बोले कि आप ये मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है, इट डजंट मीन दैट कि वो उनको कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। सामने को अगर कोई गर्ल भी जाएगी तो उस पर कमेंट किया जाएगा, इतने रूल्स हैं हमारे पास कि हम उसको बोल सकते हैं। तो वो भी एक वुमेन है, उनके पास भी रूल है, हमें भी गवर्नमेंट को भी उन्हें बहुत कुछ बोलना चाहिए, बहुत सारे डिसीजन ऐसे लेने चाहिए जिनसे, क्योंकि वो एक फर्स्ट वे है, फर्स्ट है। जब हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो हम जो नॉर्मल वुमेन है उनकी कैसे रिस्पेक्ट करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे देश के लोगों का क्या कहना है उन नेताओं के ऊपर जो महिलाओं के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही अन्य जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल स्नूप बॉक्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।